लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं पानी का संकट भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भर में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला शिवपुरी अनुविभाग के ग्राम अटा मानपुर का है, जहां जल संकट की मार्मिक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ यहां बिजली आंख मिचोली खेल रही है, वहीं दूसरी तरफ गर्मी में बिजली के बगैर पानी को लोग तरस रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग 40 फुट नीचे कुएं में उतर कर पानी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन सोता हुआ नजर आ रहा है। लोग काफी परेशान है, हैरान है। उतरती हैं, जब हम एक एक लोटा पानी से भरती हैं तब हमारे यहाँ पानी भर पाता है। कोई खाना बनाने के लिए तरह हमारे यहाँ पानी बिल्कुल पीने के लिए नहीं मिल रहा है। हम एक एक करके इस कुएं में उतरती हैं, जब हम एक एक लोटा पानी से भरती हैं तब हमारे यहाँ पानी भर पाता है। कोई खाना बनाने के लिए तरस रहा है, कोई पीने के लिए तरस रहा है। ना तो पानी रहे, कई दिनों से महीना गुजर गए, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, कोई यहाँ पर सुनता नहीं है। जो भी अधिकारी गण आते हैं हमने सबसे बोल रखा, हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। टमानपुर में हमारे यहाँ बिल्कुल पीने के लिए पानी नहीं है। ट्यूबवेल चार पांच ट्यूबवेल जो ट्यूबवेल सरकारी जो ट्यूबवेल लगा हुआ है उसमें आज तक मोटर नहीं गिरी, ना कोई अधिकारी आए आज तक। आप लोगों ने जो स्थिति बताई है उसके बारे में कल मैं पीएचई वालों को भिजवाता हूँ और मैं भी स्वयं देखूंगा और जो भी वहाँ समस्या है उसका निराकरण हम लोग करें सर। वहाँ पर उनको पानी की समस्या ना है। जहाँ तक आपने बताया कि बोर है, मोटर नहीं डालेंगे ये, तो अगर वहाँ संभव हुआ तो हम उसको मोटर भी जल्दी करवा देंगे सर। जैसे कि जो विधायक निधि द्वारा टैंकर दिए गए हैं सर, वो चूंकि ग्रामीणों के पानी पहुँच सके गाँव गाँव इसलिए दिए गए हैं, पर वो सर निर्माण में लोगों को टैंकर यूज करते देखा गया।